Delta Facts presents when prey escaped death from predators. Waterbug. हर बार जरूरी नहीं कि शिकार करने वाला अपने हर मिशन में सफल ही हो, कई बार उसे मुंह की भी खानी पड़ती है, और ऐसा ही कुछ यहाँ इस शेर के साथ हुआ। दरअसल यहाँ जंगल में एक वाटर बक आराम से खड़ा था और झाड़ियों के पीछे शेर अपने शिकार यानी वाटर बक पर अपनी पैनी नजर टिकाए हुए था। जब शेर को लगता है कि अब अटैक करने का सही समय है तो वो वाटर बक को अपना शिकार बनाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन बदकिस्मती की शेर उस पर हमला करने में असफल हो जाता है और वाटर बक तेजी से दौड़कर भाग निकलता है। इम्पाला वर्थॉग एंड विल्डबीस्ट। शेर के बाद अब बात करते हैं शेरनी की, जहां दो शेरनी इस ताक में बैठी थी कि कब कोई शिकार आए और वो उनका शिकार कर सके। शेरनियां जैसे ही शिकार का शिकार करने के लिए भागती हैं तो सारे इम्पाला मौके से फरार हो जाते हैं और शेरनियों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। फिर कुछ ही देर बाद वहां से एक वर्थॉग भी निकलता है और मौके की तलाश में बैठी शेरनी जैसे ही उस पर हमला करने पहुंचती है वो भी रफू चक्कर हो जाता है। इस बार भी शेरनियों के हाथ कुछ भी नहीं लगा था, लेकिन फिर वहां दूसरे मौके के रूप में अचानक कुछ विल्ड बीस्ट जा पहुंचते हैं और शेरनी भी अपना दांव फिर से खेलने के लिए खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, विल्ड बीस्ट भी तेजी से दौड़कर भाग निकलते हैं। लगता है आज इन तीनों शिकार की किस्मत अच्छी थी और शेरनी की खराब, जो बारी बारी से तीनों शेरनी को चकमा देकर भाग गए। लकी बुशबग। मगरमच्छ इतना खूंखार और खतरनाक जानवर है कि हर कोई इनसे खौफ खाता है। इसका जबड़ा इतना मजबूत होता है कि ये बड़े से बड़े जानवर को दबोच कर चबा सकते हैं। बता दें कि इनकी बाइट फोर्स अन्य जानवरों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, यानी ये 3700 PSI की ताकत से अपने शिकार का कचूमर बना सकते हैं। ऐसे में इनके चंगुल से बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन इस वीडियो में जो होने वाला है उसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक प्यासा बुशबग पानी के लिए नदी के किनारे आता है और वो मगरमच्छ के डर से धीरे धीरे पानी पीता है। वो जानता है कि पानी में उसकी मौत बैठी हुई है, लेकिन प्यास बुझाना भी जरूरी है, इसलिए वो आराम से पानी पी रहा है। वहीं पानी में मगरमच्छ भी घात लगाए हुए बैठा हुआ है और मौका मिलते ही वो बुशबग पर तेजी से झपट्टा मारता है, लेकिन बाइलक बुशबग बच निकलता है और मगरमच्छ हाथ मरता रह जाता है। इसे ही कहते हैं मौत को छूकर टक से वापस आना। दोस्तों प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। वर्थॉग। ये वीडियो भी शेर का ही है, देखते हैं कि यहाँ उसकी किस्मत कितना साथ देती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जंगल में झाड़ियों की छांव में कुछ शेर आराम फरमा रहे हैं, तभी कुछ देर के बाद उनके नजदीक से एक वर्थॉग इतनी तेजी से दौड़कर जाता है कि शेर बेचारे मुंह देखते रह जाते हैं और वो शिकार का कुछ नहीं कर पाते। लगता है आज भगवान भी इन शेरों से नाराज है, तभी उनके हाथ से एक के बाद एक शिकार निकलता जा रहा है। ग्वानाकाओ। प्यूमा काफी चलाक किस्म के जानवर होते हैं और ये कूदने में काफी माहिर होते हैं। ये इतनी फुर्तीली बिल्ली होती है कि ये शिकार को बचकर निकलने का मौका तक नहीं देती। ये अपने शिकार का तब तक पीछा करती है जब तक उसे झपट कर सही से पकड़ ना ले। ऐसा ही कुछ आप यहाँ इस वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ प्यूमा अपने बच्चों की भूख शांत करने के लिए निकली है और यहाँ इसे अपने आकार से बड़ा और 3 गुना वजनी शिकार ग्वानाकाओ मिलता है। आप देख सकते हैं कि कुछ ग्वानाकाओ घास खा रहे हैं और प्यूमा उन पर नजर बनाए हुए है। फिर मौका पाते ही प्यूमा दौड़ पड़ती है और कूद कर ग्वानाकाओ के गर्दन को पकड़ लेती है, लेकिन ग्वानाकाओ उसे नीचे गिरा देता है और भागने लगता है। लेकिन प्यूमा भी उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी, वो बार बार छलांग लगाकर ग्वानाकाओ को पकड़ने की कोशिश करती है और नीचे गिर जाती है। प्यूमा काफी दूर तक ग्वानाकाओ का पीछा करती है, जिसमें उसके बच्चे भी उसकी मदद करते हैं, लेकिन आखिर में ग्वानाकाओ अपनी जान छुड़ाकर भागने में सफल हो जाती है। ग्वानाकाओ ऊंट की तरह दिखने वाले जानवर हैं, जो दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासी हैं। विल्डबीस्ट। यहाँ शेर और विल्डबीस्ट के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है, जहाँ ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर में जीत किसकी होगी। आप देख सकते हैं कि पहले दांव में शेर विल्डबीस्ट पर भारी पड़ रहा है और उसने विल्डबीस्ट को जमीन पर गिरा दिया है। शेर ने विल्डबीस्ट की गर्दन को इतनी मजबूती से पकड़ रखा है कि वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है। फिर अचानक बाजी पलटती है और विल्डबीस्ट उठकर खड़ा हो जाता है। हालांकि शेर अभी भी उसकी गर्दन को पकड़कर लटका हुआ है और उसे भागने से रोके हुए है, लेकिन विल्डबीस्ट भी हार मानने वाला नहीं था।
वो अवसर मिलते ही शेर के जबड़े के चंगुल से बच निकलता है। इसे ही कहते हैं कि हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। वर्थॉग एंड वाइल्ड डॉग्स। जंगली कुत्ते इतने खतरनाक होते हैं कि अगर किसी के पीछे पड़ जाएं तो उसे मारकर ही दम लेते हैं। चलिए देखते हैं कि वीडियो में क्या होता है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि कुत्ते का एक झुंड वर्थॉग पर अटैक करने के लिए तैयार है। वाइल्ड डॉग्स एक एक करके वर्थॉग के नजदीक आते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वर्थॉग भी कुछ कम नहीं है। वो भी उनके सामने डट कर खड़ा है और थोड़ा थोड़ा दौड़कर इन कुत्तों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी से नहीं डरता। फिर कुछ देर बाद वहां से दो ज़ेब्रा गुजरते हैं, जिससे वाइल्ड डॉग्स का ध्यान भटक जाता है और मौके का फायदा उठाकर वर्थॉग पतली गली से निकल लेता है। एनिमल्स की वीडियो के लिए लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा, और अगर कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना हो तो राइट वाले वीडियो को चूज कीजिएगा, और अगर आप हमें अपना सपोर्ट देना चाहते हैं तो सर्कल वाले आइकन पर क्लिक करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा।